नमस्कार, मैं पवन, आप देख रहे हो जन क्रांति न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं बद्दवाड़ा टोल प्लाजा पर। जैसा कि आपको पता है, कल मुजफ्फरनगर की रैली होने जा रही है, तो यहाँ पर क्या तैयारी है इनकी, यहाँ पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे क्या नाम है आपका? मैं सीमा बद्दवाड़ जी। तो आपकी क्या तैयारी चल रही है यहाँ पे? जो कल का प्रोग्राम है यूपी के अंदर, जो मुजफ्फरनगर की हमारी रैली है, उसके बारे में अभी अभी हमारी मीटिंग हुई है, और हजारों की संख्या में हमारे किसान साथी वहाँ पे पूरी तैयारी के साथ मुजफ्फरनगर के अंदर जाएंगे और उस महापंचायत में हम शामिल होंगे। महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी रहने की उम्मीद है यहाँ से? महिलाएं जो है, मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहूंगी कि पुरुषों से ज्यादा संख्या में मेरी मातृशक्ति वहां पे जाएगी, और पूरे जोर शोर के साथ पूरा उत्साह मेरी महिलाओं में है, किसान साथियों में है। जैसे कि आज हमारे नरवाना में अजय चौटाला जी का भी प्रोग्राम था, लेकिन हमारे पूरे भाईचारे के दबाव के कारण जो है वो उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, और इसी के साथ साथ हमारी पूरे जोर शोर के साथ मुजफ्फरनगर की रैली की पूरी पूरी तैयारी है, जिसमें भारी संख्या में, मैं कहना चाहूंगी कि अगर जिन जिले में नाम लिया जाए तो नरवाना की संख्या सबसे ज़्यादा, यानी पूरे हरियाणा में ही नरवाना हल्के से हमारे हजारों संख्या में किसान साथी जाएंगे। सबसे ज्यादा संख्या हमारे टोल प्लाजा बद्दवाड़ टोल प्लाजा की होगी। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? डिंपल है जी मेरा नाम। आपका कौन सा संगठन से हो आप? हम बद्दवाड़ा टोल प्लाजा की जो कमेटी है 70 गांव की, उसकी संचालन कमेटी के सदस्य हैं, और उसी के साथ। तो क्या उम्मीद है आपके, जो कल की रैली होने जा रही है, कितने बजे चलोगे यहां से, क्या कुछ प्लानिंग कर रखी है? हमारे टोल प्लाजा से लगभग 3000 से भी ज़्यादा लोग अलग अलग गांव से, हर गांव से बसें हैं, क्रूजर हैं, गाड़ियाँ हैं, और टोल कमेटी ने फैसला लिया कि 6 बजे यहां रियल चौक पे से हमारी जो पूरी गाँव के जो साधन है सब इकट्ठे एक साथ जाएंगे, ताकि कोई साधन खराब हो जाए तो रस्ते में दिक्कत ना हो, तो सभी साथी मिलके एक बड़ी लामबंदी के रूप में मुजफ्फरनगर की रैली में शामिल होंगे। तो आने वाले समय में जो ये रैली है, इसका क्या असर पड़ेगा किसान आंदोलन पर? इस आंदोलन का बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो सरकार है, इसको आम जनता की आवाज़ तो सुनाई नहीं देती, केवल वोट की भाषा समझ में आती है, और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसके अंदर सबसे बड़ी 80 सीटें आती हैं लोकसभा की, और वहाँ से इस सरकार को क्योंकि वोट की भाषा समझ में आती है, और वोट की भाषा में जनता में, प्रजातंत्र में केवल सिर गिने जाते हैं, तो वहाँ पे एक भीड़, बड़ी भारी लामबंदी इकट्ठी करने का उद्देश्य भी ये है कि यूपी जो देश की राजनीति की दिशा तय करता है, वहाँ से ये संदेश जाए कौमी एकता का, कि पूरे देश का जो किसान मजदूर जो तबका है वो एक साथ है, इकट्ठा है, और निश्चित तौर से हम इस लड़ाई को जीतेंगे, यही हमारा कहना है। तो बद्दवाड़ा टोल प्लाजा पर संचालक कमेटी के मेंबर थे, इनसे बातचीत की, इन्होंने बताया कि काफ़ी संख्या में यहाँ से महिलाएं की हिस्सेदारी होगी।